नमस्कार दोस्तों, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा नाम जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उनका एक लगन के साथ मेहनत करना और फिर चंद्रयान 3 की सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कराना। और इसरो ऐसे कई मिशन के लिए मेहनत कर रहा है और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसरो के ऐसे ही अगले मिशन के बारे में बताऊंगा जिसकी जानकारी खुद इसरो द्वारा दी गई है। इसरो के चेयरमैन श्रीधर परिकर सोमनाथ जी ने बताया है कि इसरो का अगला मिशन सूर्य मिशन है जिसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। आदित्य का मतलब सूर्य को हिंदी में आदित्य कहा जाता है और L1 का मतलब लग्रांज बिंदु। लग्रांज बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव समान होता है, यानी अगर कोई चीज इस लग्रांज बिंदु पर होती है तो उससे ना ही सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और ना ही धरती के गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींच सकता है और वो चीज उसी जगह ही रहती है, वही लग्रांज बिंदु कहलाता है। लग्रांज बिंदु L1, L2, L3, L4, L5 प्रकार के होते हैं और जो भारत का मिशन जाएगा सूर्य पर वो L1 यानी कि लग्रांज बिंदु 1 पर जाएगा, इसलिए इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। और ये स्थान यानी कि लग्रांज 1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह को बिना किसी बाधा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसरो के अनुसार इससे सूर्य की गतिविधियों को समझने में आसानी रहेगी क्योंकि इसकी वजह से अंतरिक्ष के मौसम पर पड़ने वाले असर की रियल टाइम जानकारी जुटाई जा सकेगी। बात करें इसके आकार की तो आदित्य L1 में 7 पेलोड्स लगे होंगे जो सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी परत कोरोना पर नजर रखेंगे। इनमें से 4 पेलोड्स सीधे सूरज पर नजर रखेंगे, बाकी 3 आसपास के क्षेत्र में मौजूद पार्टिकल और अन्य चीजों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाकर इसरो को देंगे। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य के बारे में और अधिक जानना है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।